हर हर महादेव। केदारनाथ धाम यात्रा लेटेस्ट अपडेट। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो केदारनाथ धाम के लिए लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको केदारनाथ धाम की जो यात्रा रुकी थी उसका पूरा मैंने अपडेट दिया था। तो अब यात्रा दोबारा से स्टार्ट हो गई है, वही अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप जा रहे हैं सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर में आपकी यात्रा का प्रोग्राम है तो आप बहुत आराम से अपनी यात्रा पर जा सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हालांकि जो रास्ते हैं उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अक्टूबर तक रास्ते ठीक हो जाएंगे जो कि पैदल यात्रा वाले हैं। पर जो अपडेट आया है वही अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए अपडेट आ चुका है, खतरे के बीच शुरू हुई केदारनाथ पैदल यात्रा। और देखिए कितनी भीड़ है और रास्ता देखिए कैसे बना रखा है, और इसी के माध्यम से लोग जा रहे हैं और ये बंदी तो नंगे पैर जा रही है। हालांकि डंडे आज सभी के हाथ में, आजकल ये ट्रेंड चल गया भैया, आपको यात्रा करने तो डंडा आपके पास में होना चाहिए, बट मैं तो बिना डंडों के ही यात्रा करता हूँ। खैर हम पूरी न्यूज पढ़ते हैं। चिरपासा के समीप 20 मीटर पोस्टर किया तैयार, सुरक्षा के लिए तैनात किए गए जवान। तो ये पुलिस वाले भी खड़े हैं और यही लोग इनको आगे भेज रहे हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से यात्रा शुरू हो गई है। पूर्वाह्न 11 बजे तक सोनप्रयाग से पैदल मार्ग से 13,000 श्रद्धालुओं को केदारनाथ भेजा गया है। देख रहे हैं आप 13,000 श्रद्धालु, तो भीड़ तो आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। जो लोग सोचते हैं ना कि भाई सितंबर अक्टूबर में भीड़ नहीं होती, तो वो टाइम बदल के आए, अब ये नया ज़माना है। जिस तरह आपको मई जून में भीड़ मिलती है उसी तरह आपको सितंबर और अक्टूबर में भी भीड़ मिलती है। तो चलिए अब हम न्यूज पूरी पढ़ते हैं। प्रभावित क्षेत्र में लोक निर्माण ने चट्टानी क्षेत्र में घेरे छेद कर सरियों के जाल की मदद से पुष्टे का निर्माण किया है। यहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। आने वाले दिनों में लोक निर्माण कंक्रीट व सीमेंट के पुष्टे को मजबूत करेगा। यानी आने वाले, यानी जो आपका अक्टूबर का महीना है उसमें आपको यहाँ पक्का रास्ता मिलने वाला है। रविवार को सुबह 6 बजे से सोनप्रयाग से प्रशासन व पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों को केदारनाथ भेजना शुरू किया गया। इसके बाद सुबह 8 बजे तक 9,000 से अधिक और पूर्वाह्न 11 बजे तक 13,000 श्रद्धालु धाम के लिए रवाना हो गए थे। पैदल मार्ग पर प्रभावित क्षेत्र चिरपासा भैरव मंदिर के समीप सुरक्षा जवानों की मौजूदगी में यात्रियों को रास्ता पार करा गया। लोक निर्माण ने यहाँ 20 मीटर क्षेत्र में पुष्टे का निर्माण किया जिससे आवाजाही हो रही है। लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता विनय ने बताया कि शुक्रवार मध्य रात्रि को चिरपासा स्थित भैरव मंदिर के समीप पैदल मार्ग 20 मीटर वर्कआउट हो गया था। यहां पर चट्टानी इससे में गहरे छेद का सरियों का जाल तैयार करके पुष्टे का निर्माण किया गया है। इन गहरे क्षेत्रों में कंक्रीट सीमेंट का घोल डालकर मजबूत किया जाएगा। बता दें कि पैदल मार्ग के लिए वर्कआउट होने के कारण बीते शनिवार को पैदल यात्रा पूरी तरह से बंद थी। इस दौरान केदारनाथ से 4,655 यात्री पैदल मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचे थे। तो देखिए पूरा ये अपडेट है और रास्ता देखिए इस समय कितना भयानक बना है, साथ ही साथ भीड़ भी है। तो अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो आप केदारनाथ धाम जा सकते हैं। बस थोड़ी बहुत आपको पैदल रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही गायब हो जाएगी। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी तरह देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।